दरभंगा पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है। मिली है बड़ी कामयाबी, तो वही 3 दर्जन से अधिक युवकों को रेस्क्यू कर बंधक मुक्त कराया गया है। जी हाँ, यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के मब्बी थाना क्षेत्र से निकलकर आ रही है, जहां 26/8/2023 को नेपाल राष्ट्र के एक युवक रुपेश कुमार पिता उपेंद्र शाह हंसपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5 मोरा धनुष नेपाल के रहने वाले के द्वारा मब्बी ओपी में एक आवेदन दे करके दीपक सिंह पिता शिशुपाल सिंह नीलबर थाना नीलबर जिला भोपाल राज्य मध्य प्रदेश इनके गिरोह के 5 अन्य नामित तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि यह लोग नौकरी दिलाने के नाम पर नेपाल के काफी युवकों से 80,000 रुपये लिए हैं तथा युवकों को बुलाने और रुपए की मांग कर रहे हैं। नहीं देने पर इन लोगों को लगभग 2 से 2.5 माह से बंधक बनाकर रखे हुए थे तथा उनके स्कूल के सर्टिफिकेट के मूल कागजात भी जब्त कर रखे थे। इस संबंध में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें दरभंगा के सदर SDPO अमित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें 5 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई तथा करीबन 3 दर्जन नेपाली युवकों को रेस्क्यू कर बंधक मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में मोबाइल लैपटॉप TV कपड़ा के बंडल एवं मोटरसाइकिल तथा नगद रुपया भी बरामद किया गया है। वही उक्त सभी कार्रवाई एक कंपनी के नाम से चली जा रही थी। छापेमारी दल में कुल 8 लोग शामिल थे। तो वही गिरफ्तार युवक कुलजीत सिंह उम्र 30 वर्ष पिता चरण सिंह थाना खरीवाल जिला गुरुदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं। वही दीपक कुमार के साथ अन्य 4 और भी थे। बरामदगी में मोटरसाइकिल 3, लैपटॉप 3, मोबाइल 9, TV 15, स्वैप मशीन 1, फर्जी कागजात दस्तावेज 100 पीस, सर्टिफिकेट नेपाली 8 पीस, नागरिकता नेपाली छाया प्रति 70 पीस जब्त की गई। आज दिनांक 26 अगस्त को सुबह नेपाल राष्ट्र के एक युवक रुपेश कुमार पिता उपेंद्र शाह जिला धनुषा के द्वारा मब्बी ओपी में एक आवेदन दिया जाता है, जिसमें उनके द्वारा बताया ही जाता है कि उन्हें और उनके ऐसे कई अन्य नेपाल राष्ट्र के युवकों को नौकरी के नाम पर झांसा देकर यहाँ बुलाया गया, उनसे एक फॉर्म भरवाया गया, 80,000 रुपये दिए गए, कुछ किट यदि कुछ किट वगैरह और नौकरी जो चीन मार्केटिंग होती है उस प्रकार की नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया। और इसी प्रलोभन के क्रम में उनके जो भी शैक्षणिक दस्तावेज थे और जो उनके राष्ट्रीयता के कागजात थे, जैसे उनके ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे आधार वगैरह होते हैं, उनको भी बड़ी चालाकी से जब्त कर लिया गया और उन्हें लगभग बंधक बनाकर रखा गया। 2-3 दिनों में कभी उन्हें खाना दिया जाता था और एक एक कमरे में अमानवीय तरीके से 15-15, 20-20 युवकों को रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष, मब्बी थानाध्यक्ष, मब्बी ओपी के राहुल कुमार, सदर थाना के मंडल जी और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी की गई, लगभग 2 दर्जन नेपाली युवकों को रेस्क्यू कराया गया। जो 5 नामित अभियुक्त थे उन 5ों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है, जिनमें से कुलजिंदर सिंह पंजाब का है, दीपक सिंह भोपाल का है, मुकेश पासवान, अनिल कुमार शर्मा और रमन कुमार शाह नेपाल के हैं। इनकी जो मार्केटिंग चेन की जो स्कीम थी और इनके फ्रॉड का जो तरीका है वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे और लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये 5-6 पन्ने का इन्होंने एक फॉर्मेट बना रखा है, जिसे एग्रीमेंट का नाम देते हैं, इंटरप्रेन्योर फैशन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की इनकी एक कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस भोपाल में है। उसी के अंतर्गत ये कुछ किट वगैरह देते हैं अवार्ड के रूप में, कुछ टीवियाँ वगैरह, टीवी स्मार्ट टीवी वगैरह देने का वायदा करते हैं, जो अपने हेड ऑफिस में इन्होंने स्टोर कर रखे हैं, जिन्हें भी जब्त किया गया है। इन लोगों के पास से बहुत हाई एंड के 8-9 मोबाइल्स जब्त किए गए हैं, स्वाइप मशीन है, वॉश मशीन है, 2 लैपटॉप्स हैं, 3 बाइक हैं, लगभग 5-6 स्मार्ट TVs हैं और भी कुछ सामान है। कैश कितना होगा? लगभग 70,000 कैश है, लगभग 70,000 कैश है। सर, इस प्रकार के रैकेट का उद्भेदन से क्या आपको लगता है? रैकेट के उद्भेदन के संबंध में एक और बताना चाहूँगा कि अभी भी सूचना ये मिल रही है, जो
लड़के रेस्क्यू किए गए हैं उनके द्वारा सूचना ये मिल रही है कि इस प्रकार से नेपाल से प्रलोभन के द्वारा मंगाए गए, लाए गए और इसी शहर में अवस्थित लगभग 20-30 कमरों में और अन्य 100 से अधिक लड़के हैं जिन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा, जिनकी डिटेल्स निकाली गई है, पूछताछ की जा रही है। तो इसके संबंध में कहना यही है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड है और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना आसान है, उसका प्रलोभन देते हुए बेरोजगार युवकों को फांस कर अपने झांसे में लेकर 80,000-90,000 रुपये में ट्रांसलेट करा के, उससे बड़ी बात है कि इन्हें लगभग बंधक बना के इन्हें एक्सट्रॉट किया जा रहा था, बिकॉज उनके सारे शैक्षणिक कागजात, सैकड़ों शैक्षणिक कागजात मिले हैं, कई सारे फॉर्म्स मिले हैं, एक एक साल पुराने भरे हुए फॉर्म्स हैं जिन्हें किसी वेबसाइट पर, उनके किसी कंपनी के फॉरम पर कहीं भी अपलोड इत्यादि नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि इनकी मंशा सिर्फ ठगने मन सकी थी और एक्सट्रॉट करने की थी। सर, इसके लिए आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी जैसा इस बड़े रैकेट का उद्भेदन? रैकेट के उद्भेदन के लिए पुलिस की एक टीम भोपाल भी जाएगी, पुलिस की एक टीम नेपाल भी भेजी जा सकती है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनसे स्थगन पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है, लैपटॉप्स को देखा जा रहा है, जो वेबसाइट है उनके जो फॉर्म्स हैं, जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उस समय पूछताछ की जा रही है। जो अन्य लड़के हैं जिन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा उनके साथ क्या हुआ है, यहाँ जो इनके ऑफिसर्स थे जहाँ ये ट्रेनिंग देते थे उन जगहों पर छापेमारी की जाएगी, जहाँ ये उठते बैठते थे, जिन लोकल लोगों के संपर्क में थे उन पर भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसे नेटवर्किंग कंपनियां 5-6 और हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? अगर कोई आवेदन आता है या अगर कोई सूचना ऐसी मिलती है, देखिए कुछ कंपनियां फेयर भी होती हैं, कुछ चेन ऑफ मार्केटिंग का फेयर कंपनियां भी हैं जो उस मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन अधिकांश उसमें माना जा सकता है प्रथम दृष्टया कि अधिकांश फ्रॉड होते हैं। लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि सावधान रहने की ज़रूरत है, और जैसे ही सूचना मिली विदिन आवर्स पूरी टीम को गिरफ्तार किया गया, सारे रेड्स की गई, ये दरभंगा पुलिस की एक सफलता बन गया। सर, इस टीम में जितने लोग शामिल थे क्या उनको पुरस्कृत करने की भी बात होगी, क्योंकि बड़े रैकेट का उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने किया? जी, जो भी लोग थे उन्हें पुरस्कृत करने की अनुशंसा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से की जाएगी। सर, भविष्य में अगर पुलिस को इस प्रकार की और जानकारी मिलती है तो क्या उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना? बिल्कुल कार्रवाई होगी, अभी एक चेन ऑफ इवेंट्स इसमें होगा, अभी और लोगों को रेस्क्यू कराया जाएगा, टीम भोपाल जाएंगी। ठीक सर।